हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और मैंने आप सभी को कहा था नवरात्रि में कि हम वहाँ की वीडियो शेयर करेंगे, हम कई जगह घूमने जा रहे हैं, मैं वहाँ की वीडियो भी बना के लाई, पर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हुआ है और घर की शांति से आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब मैं अपने घर का काम शुरू करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं बादाम छील के रख लेती हूँ और बैठे बैठे व्लॉग भी बना लूँगी, क्योंकि थोड़ी देर में शेक बनेगा तो उसमें बादामों की ज़रूरत होती है। तो ये थोड़ा सा 2 मिनट आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको तैयार करना, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, उनको तैयार करना और उनका लंच बगाना इतनी भागा दौड़ वाला टाइम होता है सुबह सुबह का बहुत ही ज़्यादा। तो उनको स्कूल भेजने के बाद 2 मिनट में बैठ जाती हूँ और साथ ही अपना ये काम कर लेती हूँ। साथ ही मैंने मशीन भी लगा रखी है कि चलो कपड़े भी धो लेती हूँ, आज बुधवार है क्योंकि कल कपड़े धुलेंगे नहीं, बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ पे कपड़े नहीं धुलते हैं। और हानवी अब ह्यांच वाले स्कूल में ही उसका एडमिशन हमने करा दिया है, अब वो ह्यांच के साथ ही स्कूल में जाती है। वैसे उनके टाइम में काफ़ी अंतर है 1-1.5 घंटे का, पर बार बार उनको छोड़ने जाओ फिर तभी ह्यांच का टाइम हो जाता है, तो फिर एक साथ ही दोनों को छोड़ आते हैं हम स्कूल में। कल मैंने लगाई थी नेल पेंट, मेरे ना नेल्स बड़े नहीं होते हैं पर इस बार मैंने थोड़े से बड़े किए हैं, अपने आप को लगते हैं, तो मैंने नेल पेंट लगाई। मुझे ना थोड़ा नेल पेंट लगाना कम पसंद है, पर जब नेल्स थोड़े बड़े होते हैं ना तो मन करता है कि इन पे नेल पेंट लगाए, क्योंकि बड़े नेल्स भी अच्छी लगती है। पता नहीं क्या दिक्कत है, मेरे नेल्स थोड़े से बड़े होते के साथ अपने आप इतने कमज़ोर है, अपने आप टूट जाते हैं, तो इसलिए मैं नेल्स बहुत कम बड़े करती हूँ। और अभी मेरा घर का सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन, अब बस ये बादाम छीलने के बाद मैं अपने घर का सारा काम जल्दी से फटाफट निपटा लूंगी। और टाइम हो रहा है 8:10 है और यहाँ पे 2-3 दिन से बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, क्योंकि बारिश आ रही है, यहाँ पे बारिश कम ही आई है लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। धूप 2-3 दिन से बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब बारिश आने से गर्मी में थोड़ी राहत है। बस थोड़ा सा कपड़ा सुखाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कपड़े सूख नहीं पाते हैं जल्दी से। वैसे अच्छा मौसम हो रहा है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और प्लीज़ प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बस मुझे थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ी सी साहस मिलता है कि हाँ अच्छा काम है, मेहनत तो है ही, मेहनत इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है यूट्यूब में, हर किसी को इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिलती है, बहुत टाइम लगता है, सब कुछ धीरे धीरे होता है, पर हाँ इतना है कि एक दिन तो ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल मेरी वीडियो चलेगी। लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वहाँ की वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक हाउस वाइफ जो घर से कम ही बाहर निकलती है उसके लिए थोड़ा सा व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वही रोज का घर का क्या दिखाए, लेकिन ये होता ना कि कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, तो चलो कहीं से तो शुरुआत करें, कुछ तो शुरुआत करें, वो तो टाइम ही बताता है कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है और कौन सा खराब है। और यहाँ पे मेरे बादाम छिल चुके हैं और अब हम करेंगे अपना घर का बाकी सारा काम। आई होप आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा,
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब